हेलो डियर स्टूडेंट, ये कंडक्टर का मैंने एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक कंडक्टर है अपने पास, ठीक है ना, जिसका रेडियस आर है, सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है। और ये अर्थ किया हुआ है और इसके सेंटर से 6 आर डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, क्लियर है। तो अपने से पूछा कि फाइंड चार्ज ऑन कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है इसके आउटर सरफेस पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ। तो अपन ने पढ़ा यार कि अगर किसी भी शेप का अगर अपने पास सॉलिड कंडक्टर है और अगर कोई भी चार्ज आप इसको कैपिटल क्यू देते हो, तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके आउटर सरफेस पे। इनसाइड मटेरियल में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं हो सकता है। और ये भी अपने को पता है कि कोई सा भी दो पॉइंट ले लो आप इस पर, दोनों के दोनों पॉइंट क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल होंगे। मतलब जो पोटेंशियल ए का होगा वही पोटेंशियल किसका होगा, बी का होगा। अब इसी को यूज करते हुए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यार देखो जरा, ये कंडक्टर गिवन है, इसका रेडियस आर है और इसके 6 आर डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। अच्छा, ये आपको पता है इसको अर्थ किया हो गया है, तो इस वाले कंडक्टर का पोटेंशियल कितना है, जीरो है, क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि इस वाले कंडक्टर पे आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, सबका जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। बस अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, ध्यान से देखो, इस वाले डायग्राम को मैं ज़रा फिर से बना देता हूँ। ये है कंडक्टर अपना यार, इसका रेडियस कितना है, आर है, और इससे 6 आर डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है अपना, ये चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, इसको अर्थ किया गया है। अब मैंने बोला कि इस कंडक्टर का सारे पॉइंट की पोटेंशियल किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि अगर अपने को पता है कि किसी भी कंडक्टर को अपन अर्थ करते हैं तो उस पर चार्ज ऐसे रीअरेंज होता है कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाए, जीरो हो जाए। अब लेट से इसके मैं सेंटर वाले पॉइंट को कंसीडर कर लेता हूँ, क्लियर है, और मैं सेंटर वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना करूँगा, जीरो करूँगा। अब सेंटर पे जो पॉइंट है वहाँ पे पोटेंशियल में किसका किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। अब लेट से एक ये है प्लस क्यू, क्लियर है, इस प्लस क्यू के कारण कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे यार, ठीक है, कुछ इधर माइनस होगा प्लस होगा, लेकिन वो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा अपने को पता नहीं है। तो उस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड मैं क्यू डैश ले लेता हूँ, क्लियर है। और इस वाले ये जो क्यू है अपने पास, ये क्यू है और एक कैपिटल क्यू डैश जो कि क्या हुआ है, कंडक्टर पे इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है ना। तो इस क्यू और क्यू डैश के कारण इस वाले पॉइंट पे मैं पोटेंशियल लिख लेता हूँ और उसको किसके इक्वल कर देता हूँ, जीरो के इक्वल कर देता हूँ। तो सी पे इस वाले क्यू के कारण कितना पोटेंशियल होगा, तो के क्यू अपॉन 6 आर लिख लेता हूँ यार। तो वी एट सी इज इक्वल्स टू क्यू के कारण कितना है, के क्यू अपॉन 6 आर और प्लस। अच्छा, ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है यहाँ पे क्यू डैश, उसके कारण सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो के क्यू डैश अपॉन आर होगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे चार्ज क्या है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हैं, क्लियर है। तो मैं पोटेंशियल डायरेक्ट लिख सकता हूँ, के क्यू डैश अपॉन आर, और क्या ये जीरो के इक्वल है। अच्छा, ये कैपिटल आर है यहाँ पे, ये आप ध्यान रखोगे, आर और आर कैंसिल हो जाएगा, के और के कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू डैश किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस क्यू बाई 6 के। इसका मतलब क्या है, जो चार्ज जो आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर पे रिसाइड कर रहा है उसका वैल्यू कितना है, माइनस क्यू बाई 6। तो इस वाले क्वेश्चन में अपन ने बस दो कॉन्सेप्ट का यूज किया कि सारे पॉइंट क्या है, इक्विपोटेंशियल है। अब सेंटर वाला पॉइंट मैंने क्यों सिलेक्ट किया, आप पूछोगे कि सर सेंटर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो क्यों किया, क्योंकि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल मैं लिख सकता हूँ, बाकी और पॉइंट का क्यों नहीं लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, ये जो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुए हैं उसके कारण किसी और पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में किसी आर्बिट्री पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना डिफिकल्ट होता है, सेंटर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना आसान है। क्यों, क्योंकि ठीक है भले ही चार्ज क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन हर एक चार्ज का डिस्टेंस सेंटर से क्या है, सेम है। तो अगर मैं देखो, अगर मैं कोई छोटा सा चार्ज डी क्यू पकड़ लेता इस वाले पे, तो इस डी क्यू के कारण सेंटर पोटेंशियल कितना होगा, के डी क्यू अपॉन आर होगा। कंप्लीट पोटेंशियल के लिए इंटीग्रेट करूंगा तो के बाई आर बाहर, और इंटीग्रेशन डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, के क्यू डैश अपॉन आर, क्योंकि सारे डी क्यू मिलकर किसके इक्वल हो जाएंगे, मैंने कंडक्टर पर चार्ज कितना माना है, क्यू डैश। तो ध्यान रखें, सेंटर पे पोटेंशियल लिखना आसान होता है भले ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, क्लियर है। तो मैंने सेंटर वाला पॉइंट पकड़ लिया यार, और
पोटेंशियल लिखा और उसको किसके इक्वल कर दिया, जीरो का, और वहाँ से क्यू डैश का वैल्यू आ गया। थैंक यू।